हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? मैं हूँ पूजा लूथरा। दोस्तों, आज का वीडियो हाईली हाईली स्पेशल है, हाईली हाईली रिक्वेस्टेड है। आज मैं इस जादू की डिबिया के बारे में बात करने वाली हूँ। बात करने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बारे में, और इसे मैं बोलती हूँ जादू की डिबिया, मैजिक की डिबिया, बिकॉज ये आपकी स्किन, आपकी हेयर से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आपको हैं, उनको दूर करने में सक्षम है। बता दूं, एलोवेरा जेल में आपकी स्किन और आपके बालों के लिए इजेंशियल प्रोटीन होता है। 18 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है एलोवेरा, और साथ ही साथ स्किन को रिजुविनेट करने का काम करता है, स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो पिंपल से लेकर रिंकल तक, फ्रिजी हेयर से लेकर के डैंड्रफ तक, दो मुंहे बालों से लेकर बालों के गिरने तक, या फिर फटी एरिया हो, रिंकल से भरे हाथ हो, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो, लिप्स काले पड़ते जा रहे हो या फटते जा रहे हो, आज इस एलोवेरा से ही हम उन सबको ट्रीट करेंगे। आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एलोवेरा से डैंड्रफ को कैसे ट्रीट कर सकते हो, डैंड्रफ पैक बताऊंगी, हेयर स्पा कैसे कर सकते हो वो बताऊंगी, साथ ही साथ लिप बाम कैसे बना सकते हो, अंडर आई सीरम कैसे बना सकते हो एलोवेरा से, रिंकल्स रिमूव करने के लिए आप सीरम कैसे बना सकते हो एलोवेरा से, साथ ही साथ आपके हाथों और पैरों को किस तरह से सॉफ्ट बना सकते हो एलोवेरा की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है, तो लाइक करना यानी थम्स अप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करूंगी सर्दियों की। सर्दियों में हम सभी लोग धूप में तो बैठना चाहते हैं, लेकिन स्किन काली पड़ जाएगी, टैन हो जाएगा, इस डर से बैठते ही नहीं है। तो आप सर्दियों में क्या करोगे जिससे आपकी स्किन काली ना पड़े? आप धूप में जाने से 10 मिनट पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, एंड दैट्स इट। ये नेचुरल सनस्क्रीन की तरह से काम करता है, यूवीए यूवीबी रेज को आपकी स्किन के बाहर ही ब्लॉक कर देता है और स्किन तक उनका असर नहीं होने देता है, टैन नहीं होने देता है। तो इस सर्दियां धूप जरूर से किए, लेकिन उससे पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं एलोवेरा के सेकेंड हैक की तरफ, जो कि है हेयर स्पा क्रीम, जो कि आपकी डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट बनाएगी, स्प्लिट एंड्स को रोकेगी। जी हाँ, स्प्लिट एंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे एक ही बार में। चलिए बता देती हूँ इसको कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, उसे एक बाउल में ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी डैंड्रफ को दूर करती है, साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट बनाती है, फ्रिजीनेस दूर करती है। थर्ड इंग्रेडिएंट है हनी, 1 चम्मच हनी ऐड करेंगे। हनी बालों को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आपको ऐड करना है। चारों चीज़ों को मिक्स 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 कर लीजिए, और ये आपका डैंड्रफ ट्रीटमेंट, स्प्लिट एंड ट्रीटमेंट कह लीजिए या हेयर स्पा कह लीजिए, इसको बंद करके तैयार है। 2 मिनट से भी कम टाइम लगा। अब आप इसे अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कीजिए और स्प्लिट एंड्स पे अप्लाई कीजिए। 1 घंटे के लिए इसे लगा रहने दीजिए, उसके बाद बालों को वॉश कर लीजिए, एंड आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने स्मूथ हो जाएंगे जैसे कभी भी नहीं थे। डैंड्रफ चला जाएगा, स्प्लिट एंड्स दूर हो जाएंगे, फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं एलोवेरा के तीसरे हैक की तरफ, जो कि है हेयर फॉल कंट्रोल क्रीम। हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिरना रुक ही नहीं रहे हैं किसी भी रेमेडी से, या फिर बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है। सिंपल सी क्रीम है, चंद रुपयों में आपकी बन जाएगी, लेकिन ये आपके हेयर फॉल को कम्प्लीटली स्टॉप कर देगी विद इन फ्यू वॉशेस। कैसे बनानी है देख लीजिए। आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, इसमें आप ऐड करेंगे 2 चम्मच प्याज का रस। प्याज का रस बालों का गिरना रोकने में बहुत अच्छा होता है, सल्फर होता है इसके अंदर जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे बालों का गिरना रुकता है। साथ ही साथ सल्फर आपके बालों को लंबे समय तक काला भी रखता है, और एलोवेरा की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी हैं। स्कैल्प इन्फेक्शंस को भी दूर करता है ये, साथ ही साथ आपके बालों को एक चमक देता है, एक शाइन देता है, और बालों की लंबाई भी बढ़ाता है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट आप इसमें ऐड करेंगे वो है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये आपकी हेयर फॉल कंट्रोल क्रीम बनकर के तैयार है। जैसे आप तेल से जंपिंग करते हो, तेल की जगह इस क्रीम से आप चंपी करेंगे जब भी आपको हेयर वॉश करना है, एंड योर हेयर विल स्टॉप फॉलिंग एंड योर हेयर ग्रोथ विल इम्प्रूव, और आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। पिछले कुछ दिनों से ना पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे हैं, तो आई थॉट एलोवेरा से पिंपल को किस तरह से दूर कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, आपको लेना है तकरीबन 1 चम्मच एलोवेरा जेल, इसमें आप 2 चम्मच रोज वाटर मिलाइएगा,
एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कीजिएगा और एक चम्मच नीम पाउडर ऐड कीजिएगा। इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और इससे अगर आप अपने फेस को वॉश करें तो आपके फेस पर पिंपल्स कभी नहीं आएंगे, ओपन पोर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर ऑलरेडी फेस पर पिंपल्स हैं तो वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। तो फेस वॉश को छोड़िए, इस क्लेंजर से आप अपने फेस को रोजाना वॉश कीजिए, फिर देखिए असर, आपका फेस हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। भाई विंटर्स में ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं और हाथों की रिंकल्स चमकने लग जाते हैं, एंड यू नो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन 10 साल बूढ़ी हो गई है। तो इस स्किन को 10 साल जवान बनाने के लिए आप घर पर बनाइए बॉडी लोशन या बॉडी बटर। सिंपल तरीका है इसे बनाने का, कैसे बनाना है देख लीजिए। आपको लेना है एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, उसमें ऐड कर दीजिए 1 स्पून ऑफ ग्लिसरीन एंड 1 स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल या फिर देसी घी। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स 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 कर लीजिए और आपका बॉडी लोशन बनकर के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करेगा ये आपकी स्किन को, साथ ही साथ एड़ियाँ फटने से रोकेगा, और सर्दियों में तो खास तौर पर मॉर्निंग इवनिंग इसको लगा लीजिए एंड आपकी स्किन सर्दियों में भी बिल्कुल फेदर लाइक सॉफ्ट रहेगी। अगर आप अंडर आई डार्क सर्कल्स और अंडर आई रिंकल्स से परेशान हो तो सिंपल सा सॉल्यूशन है जो एलोवेरा के साथ आप कर सकते हो, जिसके सामने मार्केट के महंगे से महंगे आई सीरम्स भी फेल है। जी हाँ, आपको लेना है एक चम्मच एलोवेरा जेल, उसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच देसी घी या फिर बादाम रोगन, एंड उसमें ऐड कर दीजिए 1 पिंच के करीब कॉफ़ी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स 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 कर लीजिए और आपका ये कॉफ़ी आई सीरम बनकर के तैयार है। इसे आप आँखों के अराउंड लगाइए रोज़ाना रात को सोने से पहले, दिन में भी लगा सकते हो, 2 बार लगाओगे तो बहुत जल्दी असर होगा, एंड आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, आँखों की थकान, पफी आइज की प्रॉब्लम विद इन फ्यू डेज खत्म होने वाली है। क्या पूरे फेस पर भी रिंकल्स आते जा रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है और स्किन टेक्सचर आपका अनइवन है, तो एलोवेरा से सीरम बनाइए। यकीन मानिएगा विद इन फ्यू डेज इस सीरम को यूज़ कीजिए, आपके फेस के रिंकल्स दूर होने वाले हैं और फेस एकदम से पिंक एंड ग्लोइंग होने वाला है। तो एलोवेरा सीरम कैसे बनाना है चलिए देख लीजिए। आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, इसमें आप ऐड कर दीजिए 2 चम्मच रोज वाटर के। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आप ऐड करेंगे वो है 1 चम्मच बादाम रोगन या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट है 1/2 चम्मच ग्लिसरीन, एंड जिनकी ऑयली स्किन है वो ग्लिसरीन नहीं ऐड करेंगे, ये याद रखिएगा। और इसमें आप ऐड करेंगे 2 चम्मच या तो गाजर का जूस या फिर बीट रूट जूस, दोनों ही एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरे हुए होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं कैरेट फैमिली में। तो बीट रूट या कैरेट जूस 2 चम्मच ऐड करेंगे, मिक्स 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 करेंगे और ये सीरम आपका बनकर के तैयार है, जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है। ये आपके रिंकल्स को दूर करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, ग्लो लेकर के आएगा और फेयर भी बनाएगा। तो मल्टीपर्पज सीरम है ये, सभी स्किन टाइप्स के लोग इसे यूज कर सकते हैं, जरूर बनाइएगा ये सीरम। एलोवेरा का नेक्स्ट हैक है बॉडी एंड फेस स्क्रब। बहुत सिंपल तरीके से आप अपने फेस एंड बॉडी से डेड स्किन को रिमूव कर सकते हो एलोवेरा की मदद से। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलानी है और थोड़ा सा कोई भी ऑयल आप मिला सकते हो, कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हो या फिर वेजिटेबल ऑयल भी मिला सकते हो, कोई भी ऑयल इसमें मिला लीजिए एंड इससे अपनी स्किन को रब कीजिए, आपकी स्किन की सारी डेड लेयर निकल जाएगी। और क्या होंठ फट रहे हैं और होंठ काले पड़ते जा रहे हैं, तो मेरा अगला एलोवेरा का हैक आपके बड़े काम का है, आपके लिप्स हो जाएंगे इससे पिंक और सॉफ्ट। बता देती हूँ ये हैक आपको कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है। हम बनाने वाले हैं एलोवेरा की मदद से एक लिप बाम या लिप टिंट। आपको क्या करना है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, एक बाउल में रख लीजिए इसको, उसमें ऐड करना है 2 चम्मच कैरेट जूस या फिर बीटरूट जूस, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच वैसलीन। तीनों चीज़ों को मिक्स 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 कीजिए और ये बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर का लिप बाम बनकर के तैयार है। इसे अपने लिप्स पर लगाइए, सुबह शाम लगाइए, सर्दियों में भी आपके लिप्स जो है वो पिंक रहेंगे और कभी फटेंगे नहीं, कभी काले नहीं पड़ेंगे, और लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन अगर आपको हो गई है तो वहाँ भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडर आर्म्स की बदबू या अंडर आर्म्स का काला होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये ऑलमोस्ट सभी को झेलनी पड़ती है, लेकिन अब नहीं झेलनी पड़ेगी क्योंकि मेरा नेक्स्ट एलोवेरा हैक आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। आपको क्या करना है, नहाने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ में लेना है, उसमें दो से तीन ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल की मिला देनी है और इस तरह से मिक्स 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 करके
आपने अपने अंडर आर्म्स पर इसे लगा लेना है। ये एक तो आपके अंडर आर्म्स से बदबू नहीं आने देगा और दूसरा अंडर आर्म्स को वाइटन भी करेगा, ब्राइटन भी करेगा। तो देखा आपने एलोवेरा के कितने सारे हैक्स हैं। एक और हैक मैं जाते जाते आपको बता देती हूँ, अगर आपके पोर्स बड़े बड़े दिखने लगे हैं, ओपन पोर्स की आपको प्रॉब्लम है या फिर एक्ने पिट्स हैं, तो एलोवेरा से आप उनको भी ट्रीट कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक आइस ट्रे लेनी है, उसमें आपने एलोवेरा जेल और रोज वाटर को इक्वल क्वांटिटी में मिला करके आइस ट्रे में जमा दीजिए, आइस क्यूब्स बना दीजिए और आइस क्यूब्स से आप डेली मसाज कीजिए अपने फेस पर, आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में चली जाएगी। तो देखा आपने एलोवेरा के कितने सारे हैक्स हैं, कितने सारे यूजेस हैं, कितने सारे बेनिफिट्स, इससे आप अपने फेस, अपने हेयर, अपनी बॉडी को खूबसूरत बना सकते हो, हमेशा के लिए जवान बना सकते हो, क्योंकि एलोवेरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि पूजा एलोवेरा जेल कौन सा यूज करें, तो मैं यूज़ करती हूँ क्विक केयर का प्योर एलोवेरा जेल, कोई भी फिलर्स इसमें ऐड नहीं किए गए हैं और आपको प्योरेस्ट फॉर्म में एलोवेरा जेल मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं एलोवेरा जेल परचेज करने की, तो इसको आप खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि विंटर सीजन में जितनी भी स्किन या हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यू नो, उन सभी का आंसर मैंने कर दिया होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर अभी तक नहीं दबाया तो, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ लौट के हमारे पास ही आती हैं। बाय बाय।